सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल वोल्व का, आर्क मेगा मॉडेड सीरीज का। सो गाइस, आर्क मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में फाइनली मैंने यहाँ पे जो है ना गाइस एक डेस्मो को जो है ना गाइस टेम करने का काम कर लिया था। मुझे एक ऐसा फ्लायर चाहिए था जो मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे काफी ज्यादा तेजी से लेके जा सके, एंड वही काम हमारा ये प्यारा प्यारा सा डेस्मो जो है ना गाइस हमारे लिए करने वाला है। वैसे गाइस, अभी आज का जो एपिसोड है ना गाइस, इसमें हम लोग क्या करने वाले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने कुछ सोच नहीं रखा हम क्या करेंगे। बाकी डेस्मो को लेकर निकल लेंगे, देखते कोई खतरनाक एंड ओबीसा डायनो मिलता है कि नहीं। वैसे हर एक जो भी डायनो मुझे मिलता है ना गाइस, उसको मुझे बाहर निकाल के रखना है ताकि मुझे उसके अंडे मिल सके, क्योंकि उन्हीं के अंडों से जो है ना गाइस, वैसे मेरे पास कितने अंडे हैं। ओ कोई तो मिथिकल एक अंडा भी देख, हाँ मिथिकल कोई भी नहीं दिया। ये कौन है बेटा, समॉनर, और ये कौन है समॉनर एक भाई, ठीक है 51 ये अंडे हो चुका है। ये क्या फीमेल है जो मैंने टेम करी थी ना, इट्स मेल फ्यूनिक्स। बेटा अंडे देने का टाइम आ चुका है, रुक जाओ इसका जेंडर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इनके अंडों की जरूरत है ताकि मैं इनके आगे वाले वर्जन को टेम कर सकूँ। सो जो भी डायनो में टेम करूंगा मेक श्योर कि वो फीमेल में बना दूँ, बाद में अगर फीमेल ना हो तो उसका जेंडर में चेंज कर दूंगा, एंड उनके अंडे इकट्ठा करके हम लोग जो ना उनसे किबल बनाने का काम चालू कर देंगे। वैसे आज का जो एपिसोड है हमारा वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नीचे डिस्क्रिप्शन में। गेमिंग भी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक है, उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, की सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है हमारा, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो सो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी आपका छोटा सा सपोर्ट भी हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो गाइज अभी ना मैं यहाँ पे एक चीज सोच रहा था, मुझे आगे की केबल बनाने के लिए चाहिए होंगे कुछ वेजिटेबल्स एंड एक्चुअली मैं इस मैप के ऊपर ऐसी एक लोकेशन है, एक मिनट मैं अभी आज का सोच रहा था, बताए मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं तो मैं ग्रीन हाउस बना लेता हूँ। लेकिन तभी मुझे ये याद आया कि हमारे पास ना, रुक जा मैं आपको दिखा देता हूँ चीज, इसी मैप पे थी या दूसरे मैप पे थी मुझे पता नहीं है, बट शायद से इसी मैप पे थी। रुको मैं एग्जैक्टली कन्फर्म नहीं हूँ इसी मैप पे थी या नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं सीधा आपको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ना इस पहाड़ों के बीच में शायद से कहीं पे एक छोटा सा घर है, ठीक है, एंड उस घर के साइड में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगी हुई है। अभी ये इसी मैप पे है या नहीं ये मुझे पता नहीं, और ये पियोमिया देखने के बाद भाई साहब, ये पियोमिया देखने के बाद ओ मिथिकल की बल, लेकिन यार इसका टॉर्प और मैं इसको टेम कर सकता था, बिगेस्ट पियोमिया एवर भाई, बट रेन दो यहाँ पे तो टोर्नाडो आइस स्टॉर्म बी स्टॉर्म चल रहा है। बट गाइज ये वही जगह है क्या, ये अरे भाई टोर्नेडो आ रहे उधर, भेज क्या टोर्नेडो आ रहे भाई, छोड़ दो ये वही जगह है क्या, रुकना ये इसके चारों बीच, हाँ मेरी जान, रुको एरिया क्लियर करना पड़ेगा। यस 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 गाइस, ये वही जगह है जहाँ से मुझे चीज़ें मिलने। ओह शिट भाई, हेलो इसकी बैंड कौन बजा रहा है, लिटरली इसकी 1 मिलियन हेल्थ वाले डायनो की कोई तो बैंड बजा रहा था। एक डिलो आई डोंट नो भाई, ये लोग झगड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, सो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं जो है ना गाइज यहाँ पे कहीं पे टीपी लगा देता हूँ वेजिटेबल्स करके, ठीक है। यार मुझे फ्रिज भी बनाना पड़ेगा घर पे जाके, रुकना गाइज, नहीं अपना फार्म इसको हम फार्म बोलेंगे गाइज, ये हमारा फार्म भाई, ठीक है ये हमारा फार्म, अबे चिल्ला मत भाई, ठीक है चलो थोड़ा सा डेस्मो को लेके साथ में जा रहा हूँ ताकि कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो कच करके कल्टी मार सकूँ, ठीक है भाई पैसिव रहना, ठीक है पैसिव, उंगली नहीं करना किसी को, उठान दो मेरे को, कितनी मिल रही है, ये लो गाइस, ये लो ये रहा सिट्रोनल, ये रहा सेवरूट, एंड ये रहा हमारा भाई लॉन्ग ग्रास एंड रॉक रूट, चलो सब कुछ मिल गया गाइस हमको, कांदा बटाटा बिटाटा सब कुछ मिल चुका है। अभी यहाँ से मैं जितने हो सकते हैं ना गाइस उतनी सारी वेजिटेबल लेके निकल लेता, और ये बक्से देख रहा हूँ गाइस अगर हम इनको भाई फोड़ देते ना तो हमको इनमें लूट भी मिल जाती है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे भी वो क्रॉसबो बिजबो ही मिलने वाले, रुक जाओ उनको फोड़ के भी देख लेता हूँ, आया नहीं ना कोई नजदीक, डर लगता है भाई।
और आप बोलोगे टीपी क्यों दूर लगाया, तो टीपी से ये होता है कि जहाँ अगर आप टीपी लगाते हो ना तो वहाँ पे चीज़ें स्पॉन होना बंद हो जाती है। सो मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे टीपी लगा दूँ और भाई ये वेजिटेबल स्पॉन होना ही बंद हो जाए, क्योंकि फिर मुझे ना अभी फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बाद में फ्यूचर में भी आऊँगा ना मैं, तो फ्री में मुझे बहुत सारी वेजिटेबल ऐसी उगी हुई मिल जाएंगी, बस मुझे 2-3 दिन बाद आना है गाइस, ठीक है? ऐसा कर देना है, आर्क के 2-3 दिन बाद, मतलब लगभग 2-3 घंटों बाद मुझे आना है, एंड यहाँ पे वेजिटेबल जो ना गाइस वापस से मुझे उगी हुई मिल जाएगी। मुझे खास करके काफ़ी अच्छा लगा, है ना? अच्छा, तेरे लिए खास आ रहा हूँ मैं गाइज, मार रही, पसंद आया इसको। हाँ, तेरे को भी चाहिए, देता हूँ। हाँ, रुक जा, मैं हाई टॉर पर वाली वो बना के लेके आता हूँ इसके लिए, रुक जाओ गाइज। टेम होना चाहते यार भाई, प्यार में पड़ गया हमारे भाई, बैठ के बताओ कैसे देख रही है गाइज, एकदम वो नहीं होती है नजर। हाँ, ये चाहिए बट क्या करें, नहीं ले सकते, तो ये चीज़ घटिया है इसलिए वो मार रही थी उसको। रुको, पहले तो मुझे टेक वाले फ्रिज बनाने दो गाइज, ठीक है? वेट अ मिनट, टेक वाला फ्रिज नहीं है क्या? क्रैपोड है ये क्या? टेक रेफ्रिजरेटर, अरे भाई साहब टेक रेफ्रिजरेटर ना बना सकता क्या मैं? ये मत बोलना पॉइंट ग्लिच है क्या अपना इस बार भी? नहीं, इस बार तो पॉइंट ग्लिच नहीं है। रुक जाओ, टेक रेफ्रिजरेटर अनलॉक कर लेता हूँ मैं भाई, ठीक है? टेक रेफ्रिजरेटर, वेर इज द, रुक जाओ भाई, रेफ्रिजरेटर यहाँ पे डाल देना। ये अनलॉक नहीं हो सकता, वाई कौन चिल्लाता रहता है भाई? कहीं पे कोई बॉस दर्शन ना देते भाई मेरे को, बता चला मेरे बेस के ऊपर सीधा बॉस आ गया भाई, मेरे सारे डायनो मारे जाएंगे। आवाज़ तो बॉस की तरह ही लग रही है, बट कोई नहीं है आजू बाजू, लिटरली कोई भी नहीं है, ठीक है। ओए रेडी टू हिट, पुई पुई, रुक जाओ, पुकी पुई भाई, बुई जुई भाई, पता नहीं है क्या है, रेडी टू हिट भाई, रुको। डेस्मो कम यार, मेजो बेरी चाहिए, ये पुई पुई थुई थुई रेडी टू हिट हो चुकी है, इसको फटाक से टेम कर लेते। ऊपर से अटक भी गई एक जगह पे, चलो अभी भाई ये दौड़ेगी नहीं इधर उधर। हाँ भाई, एक जगह पे अटक चुकी है गाइज भाई, 850 लेवल की है गाइज ये डायनो, एंड इसको अगर मैं टेम कर लेता हूँ ना तो क्या होगा पता है? मैं ब्रीडिंग करा सकता हूँ इन दोनों की। वैसे इनका यूज़ क्या है अभी तक मुझे पता नहीं चला है, ठीक है, बट अगर इसका डैमेज ज़्यादा जाने लग गया तो मैं फाइट में इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये ले भाई। वैसे अरे यार, मैं इसके स्नैक्स बना सकता हूँ, बट अभी गाइस रहने दो भाई, अभी स्नैक नहीं बनाता, अभी इसको डायरेक्टली बेरी से ही टेम कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओ शिट, व्हाट द हेल, अच्छा मुझे लगा भाई मेरे को मारने, अच्छा पॉटी कर रही थी, मुझे लगा गाइस मुझे मारने के लिए अटैक विटैक कर रही है क्या। ये लो, एक बार में ये 7% गाइस यहाँ पे टेम हो रही है। सो अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे और 10 बार इसको जो ना गाइस यहाँ पे बेरीज खिलानी पड़ेगी। तो चलो गाइस इसको 10 बार और बेरी खिला के फटाक से टेम कर लेते हैं। मेरे हिसाब से टेमिंग इफेक्टिवनेस दिखाई नहीं दे रही कितनी है, बोल नहीं सकता कितने लेवल की जाएगी। जाने को कैसे जा सकती है 1200 लेवल या फिर लगभग 1500 लेवल, बोल नहीं सकते, देखते चलो। आ जाओ, इसको पहले टेम कर लेता हूँ मैं। A few moments later. Is that Omega? लग गए भाई, पुई पुई लग गए, तेरे भी लग गए, मेरे भी लग गए। अरे भाई रुक जा, अरे नहीं भाई नहीं आ रहा हूँ वापस में। इसके के ओमेगा के जिंदगी झंड बना रखी है भाई ओमेगा ने, वो इधर आ, तू इधर आ, चल कूद जा नीचे। ए मार रहा नहीं है, ए भाई, ए नहीं 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 नहीं, लग गए, बच गया। अरे भाई अंडे उठा ले, पता नहीं किसके अंडे, तो उठा के जाऊंगा। चलो गाइस, पता नहीं किसके अंडे उठाया लेकिन उठा लिए अंडे मैंने। भागो भाई साहब, भाई बता रही भाई, जंगल में सीधा भगे भगे जा रहा हूँ। टीपी भाई घर पे, चुकड़ 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 चुक, चलो पंपी से बच गया। लेट्स गो बॉयज, आ जाओ भाई, वो पुई पुई को टेम कर लेता हूँ जाके अभी, आ जाओ भाई साहब। ये खतरनाक था भाई इनकाउंटर, बाल बाल बचाओ भाई, मरते मरते बचाओ गाइस बाल बाल, ठीक है? और वो स्टिल भाई हमारी जो पुई पुई थुई थुई जो भी है वो जिंदा है गाइस यहाँ पे, और उसको जाके मैं खिला सकता हूँ मेजो बेरीज। वो ट्राई कभी, वो पहाड़ तो चढ़ के ऊपर नहीं आ सकता, ये आपको भी पता है। और इसको टेम करने के लिए मुझे एक्चुअली में गिली सूट की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि आपने देखा गाइस गिली सूट की ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही टेम कर सकता था इसको। सही है, चलो कर लेता हूँ, रुक जाओ गाइस, टेम 50% ऑलमोस्ट हो चुकी है गाइस, ठीक है 49% हो चुकी है, थोड़ा सा और गाइस मुझे इसको मेजो बेरीज खिलाना है। A few moments later. गाइस एक और लास्ट बार मुझे इसको खिला देना है, उसके बाद गाइस
हमारी ये जो पुकुई है ना गाइज, ये टेम हो जाएगी, ठीक है। 850 लेवल की है, देखते हैं गाइज कितने लेवल की बनती है। ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-2 सेकेंड में इसका भाई फीडिंग का ऑप्शन आ गया, हो गई टेम। एंड कर लो राइड और निकल लो घर पे, ठीक है। थोड़ी सी लेवल अप करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, चलो लेट्स गो। लेवल कितनी हुई है? 1200, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। मुझे लगा था 1500 तक शायद से चली जाएगी, बट नहीं गई गाइस उतने ज़्यादा दूर। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है, ठीक ठाक लेवल तो गाइस इसको मिल चुकी है। और मेरे हिसाब से इसका डैमेज जो ना गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाला जाएगा। चलो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। एंड हमारे पास जो वेजिटेबल्स आए ना गाइस, उनको रखने के लिए मैं यहाँ पर एक फ्रिज बना लेता हूँ। अरे फॉलो कर रही है मुझे, कम ईयर रुक जाओ। इसको जो ना गाइस मैं यहीं पे निकाल के रख देता हूँ बाहर, ओके लाइक, ठीक है। चलो यहाँ पे फ्रिज तो ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। मैंने टेक वाला जनरेटर तो लगा रखा है गाइस, ठीक है। रेफ्रिजरेटर मेरे हिसाब से 3 लगा देता हूँ। लगाऊंगा कहाँ पे वो सबसे बड़ा सवाल है, लगाऊंगा कहाँ पे फ्रिज लगाने के लिए? वैसे मैं अंदर साइड लगा सकता हूँ ना, यहाँ पे लगा देता हूँ। ये जगह क्यों है गाइस यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लगा देता हूँ 1 2 3, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपनी सारी की सारी वेजेस, ओ ब्लड पैक्स यार, भर भर के ब्लड पैक्स है। और ये जा नहीं रहा यार, ये क्या है ये चीज़, ये बॉटल्स क्यों नहीं जा रही है? और इनको मैं यूज़ कैसे करूँ ये भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। ई स्टिल हंगरी क्रीचर ल्यूरिंग द हंगरी क्रीचर, आई डोंट नो, मैं भी इसको ड्रॉप करने से कुछ होगा, पता नहीं गाइस। आप मुझे बता देना कि ये एक्चुअल में यूज़ क्यों होता है भाई, ठीक है, ज़रूर से बता देना। पोशन दे देना भाई, ठीक है। अंडे, ओ एग्स 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 को जो है ना गाइस सिक्योर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस जो एग्स मुझे मिलते हैं ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी यहाँ पे सड़ जाते हैं। तो जितने भी एग मुझे गाइस यहाँ पे मिल रहे हैं, मुझे उनको जो है ना गाइस सिक्योर रखना पड़ेगा, ताकि मैं आगे के जो किबल्स हैं ना गाइस उनको बना सकूँ। और मे भी कुछ एग जो है ना गाइस वो ढाप के लेके आया था, आपको पता ही होगा। और मैंने शायद से 2 अल्फा वाले एक ढाबे थे यहाँ पे, सही है। चलो ओके, ये भाई हंगर पोशन, ओके। सो अभी ना आज तो ये भाई पुई पुई टेम हो गई, मैं डेस्मो को लेके जाता हूँ। एंड ढूंढता कोई ऐसा है ना जिसको मैं टेम कर सकता हूँ गाइज, जिसका काफ़ी ज़्यादा ओपी वाला लेवल भी वाल हो और काफ़ी ज़्यादा ओपी हो वो। ओ एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक्चुअल में एक ऐसा डायनो मिल चुका, मुझे थोड़े सेडेटिव्स चाहिए। सेडेटिव्स ये वाले सेडेटिव्स क्या बना सकता हूँ? ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा, 4 या 5 मैक्स टू मैक्स शायद से बना पाऊँगा। ये वाले मैं बना नहीं सकता हूँ, इसके लिए गॉड एसेंस चाहिए होगा भाई, ठीक है रुक जाओ। एसेंस तो मेरे पास पड़ा हुआ है ब्रो, एसेंस तो पड़ा हुआ है, एसेंस का कोई सीन नहीं है, एसेंस पड़ा हुआ है। मैं सेडेटिव्स बना सकता हूँ गाइज, जितने ज़्यादा एसेंस मेरे पास होंगे ना गाइज उतना ज़्यादा मैं सेडेटिव्स बना सकता हूँ, ठीक है। और मैं इससे आगे के सेडेटिव्स बना सकता हूँ क्या? मैंने सेडेटिव्स अनलॉक नहीं करे, अनलॉक करने दो, ठीक है। जितने ज़्यादा, ये क्या टूल है, कर्स्ट आइडल, एक मिनट रुक जाओ, कर्स्ट आइडल क्या है ये? कर्स्ट आइडल क्या है भाई ये? कोई तो कर्स्ट आइडल करके प्राइमल, ओ प्राइम इसेंस चाहिए इसके लिए, और नाइटमेयर सोल 50। ये पता नहीं गाइस कर्स्ट आइडल क्या है, इसमें कोई कर्स्ट आइटम्स बनते हैं शायद से, ठीक है शायद से। एंड अभी मुझे थोड़े से हाई टायर के बनाने ना, सो क्या मैं ये बना सकता हूँ? इसके बाद कौन सा आता है नंबर, इसका क्या या इसका? इसका आता है नंबर 20 बना सकता हूँ ये मैं एक्चुअली में, ठीक है ये 20 बना सकता हूँ। ये कैसे? नारकोटिक से बन जाएगा, और ये भी नारकोटिक से बन जाएगा। ये वाला कौन सा है, अल्फा वाला है, और ये बीटा वाला है। ओके मैं बीटा वाला भी 78 बना सकता हूँ, अल्फा वाला भी बना सकता हूँ, और ये कौन सा है, बेसिक वाला है। और ये क्या फिर बनाया मैंने, 10 ओमेगा, ओके 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 एक मिनट, देन एरो में बना सकता हूँ ना इनके सेडेटिव से, ओके डन डना डन डन, ओके अभी समझ आया गाइज। बेटा नहीं ओमेगा निकाल, ओमेगा वाले में तो एक एरो में मैं नॉकआउट कर दूँ। ये देखो ये ओमेगा वाली है, एक गॉड लाइक भी है भाई, गॉड लाइक भी है यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे रुक जाओ, मुझे एरो दे दो ओमेगा वाली, मुझे ओमेगा वाले एरो चाहिए भाई, मुझे पता नहीं मुझे ओमेगा वाले एरो चाहिए, क्योंकि ओमेगा वाले भाई काफ़ी खतरनाक वाले डायनोज होते हैं, ठीक है। गॉड लाइक है भाई, ओमेगा एरो किधर है? ओमेगा ओमेगा ये वाले ओमेगा एरो, यस 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 यस। एंड इसके लिए मुझे स्टोन एरोस डालनी पड़ेगी, 109 में डाल देता हूँ। एंड ये बन गया ओमेगा वाला, ठीक है।
एरोज जिसका इस्तेमाल करके मैं काफी खतरनाक वाले डायनोस को नॉकआउट कर सकता हूँ अभी, ठीक है? इजी गाइज, इजी, नो प्रॉब्लम। कुछ एरोज बना लेता हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी के लिए रहेंगे गाइज, ठीक है? अगर कोई मेरा पीछा करता है तो उसको मारने के काम आ जाएगी एरोज, ठीक है? और ओमेगा वाले एरोज से अभी मैं जाता हूँ अपने बैक ओमेगा एरो, हाँ भाई थोड़ा संभल के यूज करना, 750 डैमेजेस, ठीक है गाइज? संभल के यूज करने क्योंकि ये एरोज बहुत ज़्यादा महंगे एरोज हैं, बहुत ज़्यादा महंगे एरोज हैं। नारकोटिक और नारकोटिक नहीं रे, सेडेटिव बोलते हैं उनको, हाँ सेडेटिव बनाने के लिए डाल देता हूँ मैं, ठीक है चलो। एंड अभी हम लोग जो है ना कि चलते हैं यहाँ पे हमारे डेस्मोड ड्यूस को लेके भाई, और ढूंढ लेते ऐसा कोई खतरनाक सा डाइनो जिसको हम टेम कर सकते हैं। ओमेगा एरोज से मेरे हिसाब से 1 मिलियन तक का अगर मैं टॉर्पोर चढ़ा सकता हूँ, सो वो बड़ा सा जो रिक्स था वो बेटा वर्जन था या नॉर्मल वर्जन था? अगर मैं सीधा उस बड़े से रिक्स को ही टेम कर लूँ तो, और व्हाट द हेल इज व्हाई, हेलो व्हाट द एफ इज दिस ओडोग्रोन, व्हाट द हेल, ये कौन सा क्रीचर है भाई ओडोग्रोन? उसके लिए मुझे चाहिए ओडोग्रोन। ओडोग्रोन कैसे बनेगा? ओडोग्रॉन के लिए रेगुलर की बल्स अच्छी है। ओडोग्रॉन क्या एग्रो हो रहा है? मुझे पहले ये देखने दो, अगर ये एग्रो बाय बाय एग्रो नहीं होना, मैं पे एग्रो नहीं होना, पहले बता देता हूँ, गिली सूट भी पहन के जा रहा हूँ। अगर ये एग्रो नहीं हो रहा है सो मैं, अरे यार मर जाएगा यार ये दूसरों से पंगा लेने वाले डायनोस भाई ज़्यादा टाइम तक जीत नहीं पा, मतलब जी नहीं पाते, ये आपको भी बताएगा, ठीक है? ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाएगा, वो दूसरे से पंगा लेने के लिए चला गया वहाँ पे, ठीक है? और क्या है भाई, ये पुकुई है, ये वाला डायनो भी मुझे टेम करना है, बट ये तो हवा में उड़ता रहता है हमेशा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओमेगा ब्रूटल, ना यार इसको भी टेम नहीं कर पाऊंगा मैं भाई साहब। गाइज मैं ढूंढ रहा हूँ कोई पावरफुल डायनो, क्योंकि मुझे भाई आज के दिन किसी भी कीमत पे एक पावरफुल सा डायनो टेम करना है, मतलब करना है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डायनो चाहिए जिसका डैमेज लगभग 1 लाख से ऊपर हो, ठीक है? ऐसा डायनो ढूंढना है। बीटा वर्जन नहीं, मैं नॉर्मल वर्जन में एक पावरफुल डायनो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है ये, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। एलोसोरस है यार यहाँ पे, बाकी तो और कोई, सायरन लाइटनिंग मिथिकल, ओ दैट्स कूल, बट लो लेवल है गाइस ये काफ़ी ज़्यादा। एक मिनट रुक जाओ, अगर मेरे पास ओमेगा एरोज है और मेरे पास ये बैट है तो मैं सीधा ग्रिफिन वैली में जाता हूँ। यस गाइस यहाँ पे, और इसमें अगर हमको हाइट अचीव करनी है ना गाइस इस डेस्मो से, तो कुछ नहीं करना है मुझे, खाली जो है ना गाइस एक बटन दबा देना है। ये देखो ग्रिफिन में कैसा होता है, आपको डाइव मार के ऊपर जाना पड़ता है तब जाके आप हाइट अचीव कर सकते हो, इसमें वैसा नहीं है, आप इजीली हाइट अचीव कर सकते हो जितनी चाहिए उतनी ज़्यादा, एंड उसके बाद सीधा ज़मीन पे निकल लो डाइव मार के, और उसके डाइव का वैसे आवाज़ भी नहीं आता है, एकदम साइलेंट मोड पे डाइव मारता है ये, ठीक है? ये रही गाइस ग्रिफिन वैली, मैं यहाँ पे ग्रिफिन को ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर कोई नॉर्मल वर्जन का ग्रिफिन मुझे मिल जाता है तो काफ़ी सही रहेगा। बाकी ये उड़ते हुए डायनोस काफ़ी कूल लग रहे हैं मुझे, ठीक है? इनको टेम करने का मन तो कर रहा है बट अफसोस मैं कर नहीं पाऊँगा। स्पेक्ट्रल है, इथेरियल की बल से डैम हो जाएगा। वाइब्रन है वैसे, स्पेक्ट्रल ट्रॉपिकल क्रिस्टल वाइब्रन, बट मैं वाइब्रन को टेम करने नहीं आया हूँ, मुझे ये चाहिए मुझे यार, मुझे ये चाहिए भाई, ये चाहिए मुझे, बट इसके लिए रॉ प्राइम फिश मीट कहाँ से लेके आओ? वही सीन है यार, देखना ना क्या ओपी है यार ये डायनो, इसको एक ना एक दिन भाई टेम करूंगा मैं जरूर से। वही शील्ड वाला, कोई तो शील्ड है, कोई तो शील्ड पैरासोरस है, ये रहा ग्रिफिन। बेटा हार्वेस्टिंग, बेटा वाले नहीं चाहिए, नॉर्मल वर्जन चाहिए मुझे। इथेरियल रैप ग्रिफिन क्या होता है, रैप ग्रिफिन क्या होता है मुझे बिल्कुल पता नहीं है, बट मैं ओमेगा एरोस का इस्तेमाल करके यहाँ पे चेक करने वाला हूँ ये ब्रैप ग्रिफिन क्या है। एक्चुअली ये ब्रैप ग्रिफिन अभी भगेगा कॉज जिसको, ओ नाइस ड्यूड, किसको उंगली, उंगली करेगा भाई, उंगली करेगा मेरे को, निकल ले पहली फुर्सत में। ब्रैप ग्रिफिन को मुझे सुरक्षित रखना है, ठीक है? ब्रैप ग्रिफिन के आजू बाजू कुछ एंड्स घूम रहे छोटी सी जो हमको दिक्कत दे सकती है। इनका ब्लड चूस ले भाई, हाँ चूस ले, ब्लड चूस ले। ओ शिट, कोई तो पावरफुल वाले एंटी इसके अंदर भाई, मेरी हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से डाउन करी थी आपने देखा, आधे से ज़्यादा हेल्थ मेरी डाउन हो गई थी, आधे से ज़्यादा भाई। इसके लिए मुझे चाहिए होगा इथेरियल क्रिबल, ठीक है? इथेरियल क्रिबल ना मैं घर से लेके आता हूँ,
मुझे पता नहीं ग्रिफिन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट गाइस ट्रैप डायनो मैंने कभी चलाया नहीं है, एंड मुझे पता नहीं गाइस कि वो है क्या और क्या क्या कर सकता है, उसके एबिलिटीज के बारे में भी जीरो आइडिया है मुझे। ठीक है, मैं खाली किबल बना के उसको फटाक से टेम कर लेता, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सो इथेरियल इथेरियल मैं ब्रैप डाल रहा था गलती से, इथेरियल किबल और बेसिक इसेंस चाहिए। इसेंस तो मेरे पास है ना भाई, ये देखो ना इसेंस तो है, बेसिक इसेंस अभी मुझे पता नहीं। हाँ मतलब मुझे पता, मुझे ऐसा लगा गाइज कि मैंने जो ना गाइज एक्चुअली में जो, अरे एक मिनट हो जाओ, उसको किबल कितने चाहिए थे मुझे ये भी पता नहीं है। चलो गाइज वहाँ पे जाके देख लेता हूँ, मैं एक किबल बढ़ा के लेके जा रहा हूँ। मुझे क्या लगा पता है गाइज कि मैंने सारे बेसिक जो मेरे पास इसेंस थे ना उससे यहाँ पे नार्कोटिक बना ली, सेडेटिव बना दिया, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन आ रहा था कि भाई मैं किबल बना पाऊंगा कि नहीं, बट फाइनली बना लिया हम लोग ने। और इसको टेम करने के लिए लकीली हमको एक ही किबल चाहिए। थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा इधर, हाँ चले जाइए, आपकी ब्लड की तो ज़रूरत नहीं है, ब्लड मैं जब चाहूँ तब भाई इकट्ठा कर सकता हूँ वैसे भी। एंड ये किबल ले लीजिए एंड टेम हो जाइए सर। सो ये रहा हमारा फर्स्ट ग्रिफिन जो कि एक रैब ग्रिफिन, जिसकी एबिलिटीज मुझे बिल्कुल पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, कूल डाउन है 14 सेकेंड का, ओवर वेट हो चुका है गाइस ये ग्रिफिन। वेट में थोड़े से पॉइंट डालेंगे, थोड़े से डाल देंगे हेल्थ में पॉइंट, देन स्टैमिना पॉइंट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि 5000 इसका स्टैमिना है। एंड ये रहा गाइस हमारा ग्रिफिन, दिखने में भले गाइस नॉर्मल ग्रिफिन की तरह आपको लग रहा हो, बट ये कोई आम मामूली सा छोटा मोटा सा ग्रिफिन नहीं है गाइस, ये गाइस रैप ग्रिफिन। और गाइस ग्रिफिन, और अगर आप डेसमो में कंपेरिजन करो ना, ग्रिफिन ओपी है यार, कुछ भी बोलो यार ग्रिफिन ओपी है। एबिलिटी क्या है भाई तेरी, देन मैक्सिमम करके सिया एक्सपेन की एबिलिटीज वर्क करती है, बट इसकी एबिलिटी वर्क नहीं कर रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट इसकी एबिलिटी वर्क नहीं कर रही है गाइज। रुकना जमीन पे बैठ जा भाई तेरे, रैप सर आपकी व्हाट इज द एबिलिटी, अबे क्या एबिलिटी है भेज की आग है, नो आइडिया गाइज, समझ नहीं आ रहा है ग्रिफिन की एबिलिटी क्या है। मैंने अपना फर्स्ट ग्रिफिन तो टेम कर लिया, बट इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। रैप इसका मतलब क्या होता है, क्या कर सकता है ये? ठीक है, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पास क्या एबिलिटी हो सकती है। डैमेज की बात करें 9000 तक का डैमेज आ रहा है मेरा, 14000 एक्चुअली डाई बॉम्ब का डैमेज 14000, ठीक है काफ़ी कूल डैमेज आ रहा है। और यहाँ पे तो एकदम फुल टू लफड़ी हो रही है, तो दूसरों के लफड़े में टांग अड़ाने का काम तो मैं ज़रूर करूँगा। रुको रुक जाओ भाई, लेवल अप मिल जाएगी यार पकड़ में, और कुछ नहीं। ओ शेड कोई तो वहाँ पे डाल दो, लग गए हीलिंग पोशन पिले बैंड बज गई, मर्दे बचाओ भाई वहाँ पे अंदर। मैक्स लेवल हो गया लेकिन गाइस में, मैक्स लेवल हो गया गाइस वहाँ पे अंदर उनके फाइट में भाई, वहाँ पे काफ़ी खतरनाक वाले डायनोज है देखना भाई, स्टार भीर भाई निकाल रहे भाई, टोर्नाडो भाई वहाँ पे चल रहा है, मैं नहीं जाना चाहूँगा गाइस वहाँ पे। वैसे गाइस टाइम वेस्ट हो गया गाइस, इस ग्रिफिन को टेम करके ना मजा नहीं आया यार, इसके पास एबिलिटीज ही नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, जीरो एबिलिटी यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर, कैसे हो सर? ये डायनो जो है गाइस, अरे यार ये तो मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस डायनो का, मैंने इसको एक फटका मारा बट ही वी लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। ठीक है काफ़ी कूल है वैसे गाइस, ठीक है काफ़ी कूल है वो डायनो, हमारा ग्रिफिन नहीं, ग्रिफिन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। मैं थोड़ी सी इसकी तारीफ करने वाला था एक्चुअली, मैंने कर भी दी थी कि गाइस डेस्मो से अच्छा ग्रिफिन चलाने में लगता है अपन को, बट अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे अच्छा तो डेस्मो ही चला लूँ यार, इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, खाली ऐसे ऐसे अगर चलाना है तो मैं डेस्मो ही चला लूँगा, उससे मुझे ब्लड भी मिलेगा और गाइज वो जल्दी हाइट भी अचीव कर लेता है। सुपरनोवा है, वाओ शेट शेट, सुपरनोवा ने भाई तोड़ दिया वो आप संभल के भाई, पूरी दुनिया हिला के रख देगा वो सुपरनोवा है गाइज खतरनाक सा। अगर ये ओमेगा वेरिएंट होता ना सो अभी तक मैं मर जाता गाइज, आप जिंदा नहीं बचता, लकीली ये ओमेगा वेरिएंट नहीं है। ठीक है, और मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक बिलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिल चुका है। ये कौन है भाई, ये है रैंडम भाई, ये डायनोस को स्पॉन करेगा, छोड़ो गाइज
चलो ओ शिट ये क्या है स्टन हो गया स्टैमिना ड्रेन अरे टोर्नेडो गलत बंदे से पंगा ले लिया लग रहा है ए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो चलो माफी 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 मेरे पास प्लान बी है मैं कल्टी मार देगा अपने घर पे ना ये कौन स्पॉन करता है नहीं 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 देखना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो देखना देखना नहीं नहीं बुरी बात गंदी बात गंदी बात और उसने देखना उसने नेक्रोमेंसर फेदर गीगा स्पॉन करा है लग गए गीगा गीगा तू अटैक मत कर गीगा तू अटैक मत कर गुक गीगा 1 मिलियन खेलता है क्या किसका थोबड़ा देखा था मैंने भाई अबे उड़ने तो दो थोड़ा सा मैं उड़ना चाहता हूँ भाई नहीं उड़ने दोगे क्या मेरा फर्स्ट ग्रिफिन मारा गया पक्का सो डक्का भाई मेरा फर्स्ट ग्रिफिन मारा गया भाई मेरे को चुल मची थी यार मेरे को चुल मची थी भाई क्यों वैसे भी वो नल्ला ही था वो अलग बात है बट फिर भी यार फर्स्ट ग्रिफिन था वो कुछ कर नहीं पा रहा था वो अलग बात है भाई और ना ही वो कुछ कर पाता जिंदगी में वो अलग बात है बट फिर भी भाई रुक जाओ डेस्मो बचा पाएगा क्या लुंडे की हेल्थ बहुत कम होएंगी हाँ मैं मार खा रहा भाई टोर्नाडो बिर्नाडो चल रहे इधर ए भाई रुक जाओ अबे ये तो काला नीला हरा पीला हो चुका है करा कर लिया मैंने ना 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 कौन है तू कौन है विंड स्ट्रोम क्या चल तेरे को आज छोड़ रहा हूँ मेरा मूड अच्छा है इसलिए वरना तेरे को छोड़ता नहीं मैं भाई ठीक है रुक जाओ स्पेशल चिल्ला इसके ऊपर ओ शिट पिछली बार जो गलती करी थी वो अभी नहीं करूँगा ठीक है चल मेरे को मार दे ठीक भाई नंगा ही घूम रहा हूँ जा आ जा मार दे नंगा ही घूम रहा हूँ ले मार दे मार ले भाई मार ले चल मार ले मेरे को मार दे कोई सीन नहीं है भाई डायनो को वरना बाहर दे दिया गया जिसलिए मुझे खुद को मरना पड़ा यहाँ पे भाई इसको जैसे हम टच करते हैं ना हम टच करते वो टच करे ना करे हम जैसे उसको टच करते जीरो स्टैमिना पूरा स्टैमिना ड्रेन हो जाता है 1 सेकेंड के अंदर चींटियों को इतना पावरफुल बनाया गया है गाइस जिनको हम कुचल के चींटी निकालते हैं उनको इतना पावरफुल बनाया गया है आप सोच ही सकते हो कि इसमें वो फेदर वाला जो गीगा जो उसने स्पॉन करा था वो अगर हम लोग ने कभी फ्यूचर में टेम करा तो कितना पावरफुल हो सकता है बट मज़ा आ गया गाइस हमारे पास हमारा फर्स्ट ग्रिफिन जो कि मरने की कगार पे पहुंचा होगा शायद से अभी ये रहा मरने की कगार पे पहुंचा होगा ये रहा फर्स्ट ग्रिफिन वो आ चुका है इसकी एबिलिटीज नो आइडिया क्या करती है इसकी पावर क्या है बिल्कुल भी पता नहीं है मैं एक बार वापस से चेकआउट कर लेता हूँ ठीक है मे बी इस बार मैं इसकी एबिलिटीज यूज़ कर पाऊँ ठीक से रुको हो गया कूल डाउन हट गया एक्स पे कंट्रोल पे रैप अरे रैप है क्या चीज़ है तो बता कुछ भी नहीं है छोड़ दो चलो छोड़ो गाइज भाई फोकट में ना टाइम वेस्ट हो गया हमारा ए भाई तू भी फीमेल बन जा अच्छा फीमेल ही अंडे देने का काम कर चले यहाँ पे भाई सब जितने भी डायनो टेम करे ना वो सारे यहाँ पे अंडे देंगे कल तक मुझे यहाँ पे भर भर के अंडे चाहिए ताकि मैं बीटा या फिर थोड़े से अल्फा वाले डायनोस को टेम कर सकूँ बाकी तो गाइज इसी ग्रिफिन टेमिंग के साथ आज का हमारा ये जो एपिसोड है ना वो यहीं पे खत्म हो जाता है मिलते सीधा गाइज आर्क सर्वाइवल बोल आर्क मेगा मॉडेड सीरीज के अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय बाकी आज का एपिसोड आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना मिलते अगले एपिसोड में सी यू लेटर टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग And how careless we'd be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.